नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज शुगर की न्यूली लॉन्च्ड लिपस्टिक्स जो कि पाउडर लिपस्टिक्स हैं जो नया फॉर्मूला है अभी तक मार्केट में मतलब इंडिया में तो नहीं आया था तो उसके बारे में मैं बात करने वाली हूं तो इसके अंदर मेरे पास सभी शेड्स हैं इसके पांचों के पांचों और इसके अंदर ये है शुगर की एयर केस पाउडर लिपस्टिक तो इसके बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर आपको स्वेचेज डेमो सब कुछ देखने को मिलेगा और आपको वाटर टेस्ट भी करके दिखा देंगे कि स्मच प्रूफ है या वाटर प्रूफ है या नहीं है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्वेचेस के साथ साथ रिव्यू भी देख लेते हैं तो चलिए वीडियो में चलते है। so, ये है मेरे पास टोटल पांच शेड जिसमें डार्क शेड भी हैं और न्यूड शेड भी हैं सभी शेड्स पहले बता देती हूँ ऑल स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट है जिसमें सबसे पहला शेड मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है वन मोचा मूज का लिपस्टिक है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है फोल्ड डाउन मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा है और एप्लीकेशन जैसे कि एक लिक्विड लिपस्टिक की होती है बिल्कुल वैसी एप्लीकेशन ईजीली हो रही है ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई पाउडर अपने लिप्स के ऊपर लगा रही हूँ या थोड़ा सा मतलब चौकी सा फील हो या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ईजिली लिप्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है बटरी सॉफ्ट इसका टेक्स्चर है मतलब मुझे पर्सनली ये लिपस्टिक थोड़ा सा इंप्रेसिव लग रही है शेड मैंने आप लोगों को बता दिया है जीरो वन मोचा मूज आ, ये डार्क ब्राउन शेड है जो अगर आप डस्ट स्किन टाइप वाले हैं तो भी आप पे ये सूट करने वाला है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड निकल के आया है मैंने बहुत ही मिनिमल सा मेकअप किया है आप लोगों के लिए ताकि आपको एक्चुअल कलर देखने को मिले इसको लगाने के बाद एकदम मैट फिनिश आई है बिल्कुल भी लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रहे हैं आई लाइक द फॉर्मूला अगर इसको रिमूव करने के बाद आई क्योंकि मैं स्वेचेस कर रही थी तो मैंने ये क्लिप भी शूट की तो ईज़िली रिमूव हो रहा है जस्ट पानी के साथ भी मैंने इसे रिमूव किया है तो ईजिली रिमूव हो रहा है कोई स्टेन नहीं है और लिप्स बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं कर रहे हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट शेड की जो कि यहाँ पर मैं लगा रही हूँ Uh, इसमें शेड जो है बहुत ही लाइट पिंकिश शेड है जीरो टू uh, कैंडी फ्लॉस जैसा कि इसका नाम आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही इसका शेड है बहुत ही लाइट पिंकी पिंकी सा शेड है जो अगेन हर स्किन टाइप के ऊपर ये सूट करने वाला है फॉर्मूला की बात मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी और हर इंडियन स्किन टोन पे ये सूट करने वाला है तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे ये लगा अगर क्वांटिटी की बात की जाए हल्की सी क्वांटिटी मुझे एज़ पर पाउडर कम लगी क्योंकि इसे एप्लीकेशन करते हुए मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर मैंने किस टेस्ट करके देखा तो ट्रांसफ़र तो ये हो रही है किस प्रूफ तो ये बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हाँ अगर आपको कोई ऐसी लिपस्टिक देख रही है कि आ, उतर जाएगी तो ये किस के बाद भी पानी पीने के बाद भी अगर ये ट्रांसफ़र हो रही है पर ये उतर नहीं रही है आपके लिप्स पर स्टे रह रही है नेक्स्ट जो है वो है ज़ीरो थ्री कैरमल सफल शेड आई थिंक मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया है पर मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी तो ये न्यूड शेड है न्यूड शेड ये अगेन डस्की के स्किन टोन वाले हैं फेयर स्किन टोन वाले हैं डिपेंड करता है हमने मेकअप कैसा किया अभी मैंने बहुत ही न्यूड सा मेकअप किया तो इसके साथ ये इतना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है लेकिन हमने बोल्ड आइज़ किए हुए हैं तो डेफिनेटली ये आप पे सूट करने वाला है आगे शेड आता है चेरी फ्लफ uh, ज़ीरो फोर शेड ये डार्क अगर मैं बोलूँ मजंटा पिंक रेड सबका मिक्सचर है थोड़ा टमेटो शेड टमेटो नहीं बोलेंगे इसको चेरी शेड है ये थोड़ा सा रेड बोल्ड जैसे कि होता है ना मरून रेड मिक्स वैसा वाला शेड है और अगेन ईजली ग्लाइड हो रहा है आराम से आप शेप बना सकते हैं कोई ऐसा फॉमूला मुझे ऐसे अजीब नहीं लगा इनफेक्ट ट्रांसफर होने के बाद भी आपके लिप्स के ऊपर रह रहा है और रिमूव होने के बाद भी कोई स्टेन नहीं छोड़ रहा है हाँ ये वाटर तो बिल्कुल भी नहीं है हल्का सा पानी में जाएगा तो ये डेफिनेटली उतरने वाला है पूरे तरीके से फैलने वाला है बाकी शेड्स मुझे अच्छे लगे इसके काफ़ी ज़्यादा पसंद आए मुझे शेड एज पर प्राइस क्वांटिटी वाइज ये थोड़ा सा एक्सेस लग रहा है मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे चल बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होने वाले कि हाँ आपको कम अमाउंट में ज़्यादा मिल रहा है तो वो वाला नहीं है पाउडर uh, लिपस्टिक है फोल्ड डाउन बिल्कुल नहीं है मेकअप के बाद से निकलने ही नहीं वाला है लेकिन आपके बिग डे के लिए बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये डे टू डे लाइफ के लिए ठीक है लेकिन हा अगर आप मास्क के साथ इसको वेयर करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको टोटली मना करने वाली हूँ क्योंकि मास्क प्रूफ ये बिल्कुल भी नहीं है मास्क पे ये बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र होती है अब ये लास्ट शेड है ज़ीरो फाइव स्ट्रॉबेरी मकारोन मकारोन तो ये बहुत ही लाइट पिंक सा मतलब न्यूड शेड है ये बहुत ही ब्राउन पिंक सा शेड है जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा बोल्ड लिपस्टिक लगानी पसंद नहीं है तो मुझे पाँच छो शेड ये तो लगे कि ये ऑल इंडियन स्किन टोन के ऊपर सूट करेंगे लेकिन फॉर्मूला वाइज मुझे ठीक ठाक सा लगा अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो उस हिसाब से मुझे लिपस्टिक गुड लगी आ, क्योंकि नया फॉर्मूला है सब कुछ नया है लेकिन इसमें बहुत चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं जैसे कि इसे वाटर के लिए कुछ कर सकते हैं और ईजिली ट्रांसफ़र ना हो वो देख सकते हैं अगर पानी वगैरह इसके ऊपर गिर रहा है तो लिप्स के ऊपर फैले नहीं मतलब ये चीज़ थोड़ा सा अगर कर रहे हैं क्योंकि कोविड का टाइम है सबको मास्क की आदत है तो मास्क प्रूफ तो एटलीस्ट नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा तो रखें बाकी हाँ लिप्स पर स्टेन वगैरह नहीं छोड़ रहा है ड्राइनेस नहीं छोड़ रहा है ये काफ़ी अच्छी बिग थम्सअप है इसकी मुझे अच्छी लगी चीज़ अभी जैसे मैं आपको वाटर टेस्ट करके दिखा रही हूँ मैंने पानी के अंदर डाला आप देख सकते हैं जस्ट रनिंग वाटर में ऐसे नहीं निकल रहा है आ, लोग आपको ऐसे ही लगा कर बुद्धू बना देंगे जैसे ही आप हल्का सा हाथ फेरते हैं तो ये इस तरीके से फैलना शुरू हो जाता है और इजिली रिमूव हो जाता है रह जा रहे हैं पर लिप्स पे स्टेन नहीं रहते हैं इसके। तो आशा करते आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर हेल्पफुल तो रहा है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एज यूजल और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम आईडिया अनुप्रिया ब्लॉग्स अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर